हाल ही में हुए 10वीं और 12वीं के पेपर लीक की घटना सबको हैरानी में डाल देती है कि आखिर ये पेपर लीक कैसे हुआ। तो आइए हम आपको बताते हैं वो प्रक्रिया जिस तरह से और जहां जहां पर ये पेपर लीक हो सकता है। एग्जाम के एक दिन पहले सीबीएसई एग्जाम सेंटर के नजदीक एक बैंक में प्रश्न पत्र रखता है और परीक्षा के दिन स्कूल के प्रतिनिधि, बैंक प्रतिनिधि और सीबीएसई के प्रतिनिधि प्रश्न पत्र को बैंक के लॉकर से निकालते हैं। उसके बाद सुरक्षा गार्ड, सीबीएसई के प्रतिनिधि, स्कूल के प्रतिनिधि की मौजूदगी में एग्जाम सेंटर लाया जाता है। एग्जाम शुरू होने से आधा घंटा पहले स्कूल के प्रिंसिपल, हेड एग्जामिनर और शिक्षकों के बीच में एग्जाम पेपर खोला जाता है और इसी प्रक्रिया के दौरान सबसे ज्यादा पेपर लीक होने की संभावना होती है। आपको बता दें कि प्रश्न पत्र तैयार होने की प्रक्रिया हर साल जुलाई और अगस्त में शुरू होती है और प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए हर साल हर विषय के लिए 3 या 4 विशेषज्ञों को चुनती है। हालांकि हर प्रश्न पत्र के 3 सेट बनाए जाते हैं। ये टीचर्स इस प्रश्न पत्र को एक सील बंद लिफाफे में बोर्ड को भेजते हैं और इसी में से ही सिलेक्टेड पेपर बोर्ड एग्जाम के लिए भेज दिया जाता है और इस दौरान भी पेपर लीक होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। दिल्ली से करुणा ठाकुर की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।